बात कर ली कि हेवली रिस्टोर टीथ में क्या क्या मसले हो सकते हैं और उनका क्या क्या सलूशन है, ठीक है, और कब हम क्राउन रिमूव करेंगे और कब क्राउन नहीं रिमूव करेंगे। ठीक है जी, हेवली रिस्टोर टीथ में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी कर सकते हैं आप कि आप सारी रेस्टोरेशन को रिमूव करें, जो भी अमेलगम रेस्टोरेशन लगी हुई है उसको रिमूव करें, जो भी क्राउन लगा हुआ है उसको रिमूव करें अच्छी तरीके से, और अगर वो क्लास टू हो गई है तो प्री एंडो बिल्डअप करें, यानी कि क्लास टू को क्लास वन में चेंज करें और फिर काम करना शुरू करें तो ज़्यादा ईजी हो जाए। अच्छा जी, तो आपको इसके अलावा कुछ पूछना है इसमें? एनीथिंग यू गाइज वॉन्ट टू डिस्कस? और चीज डिस्कस करनी है कि हम आगे चले, आगे पॉइंट आगे जो है वो है एक्सेस एंड डीप विद कैल्सिफाइड कनाल्स। अगर कैल्सिफाइड कनाल है तो उसमें क्या क्या बातें आप ख्याल में रखेंगे? बहुत आसान है, तो बताएगा एक्सेस विद कैल्सिफाइड कनाल्स में क्या करेंगे? ये पिक्चर देख लें कि यहाँ पे इन्होंने मेटल बैंड लगा हुआ था, जब मेटल बैंड निकाला तो यहाँ पे बकल साइड पे कैविटी थी, तो उन्होंने उसी से ही एक्सेस ले ली फेशियल कनाल। ठीक है जी, और ये देखें थ्रू द क्राउन इन्होंने ड्रिल किया। थ्रू द क्राउन क्यों डिफिकल्ट होता है? क्राउन रूट एंगुलेशन की वजह से डिफिकल्ट। जस्ट अ सेकंड, तो पॉइंट ये है कि कैल्सिफाइड, ये आप चेक कर लें इसमें, ये देखें थ्रू द क्राउन उन्होंने ओपनिंग की और थ्रू द क्राउन जाकर रूट कनाल स्टार्ट किया। ठीक है जी, इसकी हम बात करेंगे जब रोटेटेड दांत हो तो क्या करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेस इंटीरियर कैल्सिफाइड कनाल। जब भी कैल्सिफाइड कनाल्स होंगी तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे क्यों कैल्सिफिकेशन हुई है। कैल्सिफिकेशन इसलिए हुई है कि कोई अल्ट्रेशन हुआ हुआ है, या पेशेंट ओल्ड है, या टीथ ओल्ड टूथ ओल्ड है, या कोई भी ट्रॉमा हुआ हुआ है जिसकी वजह से कैल्सिफाइड है। ठीक है, और कैल्सिफाइड का मसले डिस्कस करेंगे, क्या कैल्सिफाइड के मसले हो सकते हैं, कि आपको चैम्बर कैल्सिफाइड होगा तो पेंटेड नहीं कर सकते, ऑरिफेस लोकेट नहीं होगा, सारा वाइट हुआ हुआ होगा, फुल फ्लोर वाइट हुआ हुआ होगा तो आपको नजर नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। वही सारी चीजें हैं जो हमने पहले पढ़ी थी स्टार्ट में कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वही सारी ठोक देंगे। आप रेडियोग्राफ ले सकते हैं, सीबीसीटी ले सकते हैं, आप मिथाइलिन ब्लू डाई यूज कर सकते हैं, आप बबल शैंपेन टेस्ट, सोडियम हाइपोक्लोराइड बबल शैंपेन टेस्ट यूज कर सकते हैं, आप चैम्बर फ्लोर के देख सकते हैं कि चैम्बर फ्लोर डार्क होना चाहिए, आप डेवलपमेंटल ग्रुप्स को अल्ट्रासोनिक से ट्रफिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइबर ऑप्टिक लाइट यूज कर सकते हैं, आपकी बुक में पिक्चर बनी हुई है, मेरे ख्याल से मैंने इस पिक्चर नहीं डाली है। फाइबर ऑप्टिक लाइट जब यूज करते हैं आप सर्वाइकल देखेंगे, देखें फाइबर ऑप्टिक लाइट यूज कीजिए। जब आप फाइबर ऑप्टिक लाइट सर्वाइकल एरिया से आप जब लगाते हैं तो ये पूरा वो हो जाता है, फाइबर ऑप्टिक तो नहीं है लेकिन फाइबर ऑप्टिक का भी इसी तरह ही कुछ काम होता है। जब सर्वाइकल एरिया से बाहर से फाइबर ऑप्टिक लाइट लगाएंगे कैल्सिफाइड केसेस में तो आपको अंदर रोशनी नजर आएगी और आप उससे अच्छी तरीके से लोकेट कर सकते हैं, इट वर्क्स लाइक मिरेकल। ठीक है जी, अच्छा इसके अलावा क्या वही सारे मेथड है, फाइबर ऑप्टिक लाइट है, क्या आप चैम्बर फ्लोर को अल्ट्रासोनिक से आप ड्रिल करें, अल्ट्रासोनिक से गटरिंग करें, डेवलपमेंटल ग्रुप्स को डीप करें, आप मोलर बर यूज करें, आप मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज करें, आप EDTA यूज करें। EDTA यूज करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 95% इथेनॉल से ड्राई करें उसको। ठीक है जी, अच्छा जी सब कुछ कर लिया, अब आपको कनाल नजर आ गई है, DG16 आपने लगाया और आपको कनाल नजर आ गई है। अब आप क्या करेंगे, कनाल के अंदर डालेंगे आप 8 नंबर फाइल, 8 नंबर की फाइल डालेंगे।
पहले सारी आपने वो चीजें लिख ली कि पेपर में सवाल आया कैल्सिफाइड कैनाल्स को किस तरह नेगोशिएट कर सकते हैं या क्या एक्सेस का तरीकेकार है। आपने सबसे पहले क्या लिखा हेडिंग में, सबसे पहले लिखा कि व्हाई कैल्सिफिकेशन हैपेंस, कैल्सिफिकेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। देन यू टेल हाउ टू रिमूव कैल्सिफिकेशन और हाउ टू एक्सेस थ्रू सच केसेस। आपने वो पूरी लिस्ट लिख दी 8-9 पॉइंट्स की। नाउ आप आएंगे कि आपने कनाल को फाइंड कर लिया, आपको कनाल मिल गई, अनकवर कर लिया आपने, अब आप क्या करेंगे। आप एट नंबर, क्योंकि कैल्सिफिकेशन हमेशा कोरोनली ही मौजूद होती है ज्यादातर, तो आप क्या करेंगे, आपके एट के एट नंबर की फाइल लेंगे और एट नंबर की फाइल लेकर आप अंदर मूव करेंगे। जब आपको कनाल मिल जाएगी तो आप उसको कनाल के अंदर ही फाइल को रखेंगे और अप डाउन मूवमेंट्स करेंगे। इसके लिए बेस्ट फाइल जो होती है वो होती है कैथेटराइजेशन फाइल या सी फाइल या सी प्लस फाइल। वो फाइल की खास बात ये होती है कि नॉर्मल फाइल्स की नॉन कटिंग टिप होती है। ये जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे क्लीनिंग शिपिंग का, मैं सारी मेटलर्जी फाइल्स की, के फाइल, एच फाइल, नाइट आई फाइल, सबकी मेटलर्जी को अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी बस ये बात जहन में रख लें कि हमारी नॉर्मली जो फाइल्स होती हैं वो बैड टिप्स होती हैं, BATT, बैड टिप्स, यानी कि नॉन कटिंग टिप्स। फाइल जो हमारी सी प्लस फाइल होती है और रीट्रीटमेंट फाइल्स होती हैं रोटरी की, वो कटिंग टिप्स के साथ होती है। तो आपने इन केसेस में सी प्लस फाइल यूज करनी है, जो कि एक मैनुअल फाइल होती है के फाइल की तरह, उसका भी क्रॉस सेक्शन डायमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन बस फायदा ये होता है मोर स्टिफर होती है, उसके अंदर टेपर थोड़ा ज्यादा होता है और वो जब आप कैल्सिफाइड केस में डालते हैं तो वो मुड़ती नहीं है, वो बड़ी जबरदस्त स्टिफ रहती है। उसको किस तरह यूज करते हैं, उसको पैकिंग मोशन में यूज करते हैं। यू डोंट गो विद द वॉश वाइंडिंग मोशन, यू एक्चुअली पैक इट ऑन द कैल्सिफिकेशन, तो वो बतदरीज नीचे बढ़ती जाती है, थोड़ा थोड़ा नीचे इंक्रीज करती जाती है लेंथ साइज को। देन यू विल स्टार्ट यूजिंग एन 8K फाइल और 8K फाइल को 8K सी प्लस फाइल को यूज करना स्टार्ट करेंगे और उसको यूज करेंगे अप एंड डाउन मोशन में और कोशिश करेंगे जो परकेशन एरिया, जो डेंजर जोन है उससे दूर रहते हुए लैटरली करें, ठीक है जी, सर्कमफ्रेंशियली स्मॉल अप एंड डाउन मोशन में यूज करेंगे और इस तरह आपकी कनाल को पेटेंट करेंगे। सो दिस एंड्स अप विद द चैलेंजिंग एक्सेस प्रेप का पार्ट के कैल्सिफाइड कनाल को किस तरह आप करते हैं, ठीक है जी। अब आखिरी पार्ट है क्राउडेड और रोटेटेड। हाँ जी, एक सवाल है, सी प्लस फाइल्स जो होती हैं उन वो क्या डायमीटर होता है उनको? 6-8-10। अब बताएं 6 का क्या टिप डायमीटर होता है? पता नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना 6 का क्या टिप डायमीटर होता है। 10 नंबर का क्या टिप डायमीटर होता है? अगले कोई बताएगा 6 नंबर फाइल का क्या टिप डायमीटर होता है? यानी कि अगर ये फाइल है आपकी, उसका टिप डायमीटर क्या होगा? 0.06 होता है टिप डायमीटर 6 नंबर फाइल का। 8 नंबर फाइल का क्या होता है? 0.08। 10 नंबर फाइल का क्या होता है? 0.10। ये 2% के हिसाब से बढ़ रहा है टेपर, 0.02 के हिसाब से या 2% के हिसाब से बढ़ रहा है, क्योंकि 2% टेपर हो। 6, 8, 10 2 के हिसाब से बढ़ेगा, फिर 10 का 15 हो जाएगा तो वो 0.15 होगा, 0.15 मिलीमीटर होगा। 20 नंबर फाइल 0.20 मिलीमीटर, ठीक है। ये हम क्लीनिंग शेपिंग वाले चैप्टर में बहुत आराम से बात करेंगे कि 2% टेपर के ऊपर जाकर किस तरह होगा, और मैं इतना आसान कर दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए कि आप लोगों को मजा आएगा काम करने में भी, ठीक है जी। अच्छा, नाउ कमिंग ऑन टू क्राउडेड और रोटेटेड टीथ। क्राउडेड और रोटेटेड टीथ का मसला क्या होता है कि क्राउडेड और रोटेटेड टीथ में दो बड़े बड़े मसले हैं। स्ट्रेट लाइन एक्सेस नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि क्राउडेड टीथ की क्राउन और रूट की एंगुलेशन अलग होती है और चांसेस होते हैं कि आप परफोरेशन कर दें। तो क्राउन रूट की एंगुलेशन चेंज होती है। लेट सपोज आपको ये नजर आ रहा है टूथ, इसकी क्राउन बाहर की तरफ है, ऐसा हो सकता है कि रूट अंदर की तरफ हो, लिंगुअली इंक्लाइंड हो। तो अगर रूट लिंगुअली इंक्लाइंड है, क्राउन बाहर की तरफ है, तो देयर आर चांसेस कि आप परफोरेशन कर दें। तो ऐसे क्राउडेड टीथ में
आपको कोशिश करनी चाहिए कि टूथ को कंजर्व करते हुए जिस तरफ से आपको बेहतर एक्सेस मिल रही है वहां करते हैं। इधर दिखाई गई है कि बक्कल एक्सेस लिया है उन्होंने क्राउडेड में, ठीक है जी। तो क्राउडेड टीथ का अगर सवाल आता है और पूछा जाता है कि क्राउडेड टीथ में आप एक्सेस कहाँ से लेंगे, लिंगुअल क्राउडेड टीथ है तो लिंगुअल क्राउडेड टीथ में आप एक्सेस हमेशा बक्कल ही लेंगे, ठीक है। और रोटेटेड टीथ, क्राउडेड टीथ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि, अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया था, पाथवेज ऑफ पल्प जब भी आप पढ़ रहे हैं जहां भी कोई पॉइंटर्स आए तो उन पॉइंटर्स को हिस्स कर लें। पॉइंटर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज सारे सवाल पॉइंटर्स से ही बनते हैं। जिस जिसको मैंने टिप दी है वो उसने मुझे दुआएं दी। और आखिरी दिनों में प्रिपरेशन के आपने सिर्फ और सिर्फ आपने गो थ्रू करना है उन्हीं पॉइंट्स को और हेडिंग्स को बस। अच्छा जी, नाउ कमिंग ऑन के जो आपका क्राउडेड टीथ है और क्या क्या मसले कर सकते हैं क्राउडेड टीथ में। तो सबसे पहले तो आप क्राउडेड टीथ में परफोरेशन कर सकते हैं, करते हुए चूंकि आपको क्राउन रूट के एंगुलेशन का नहीं पता होगा तो आप परफोरेशन कर जाएंगे। दूसरी बात, अगर कोई आप कनाल लोकेट भी कर लेंगे, पॉइंटर्स हैं पीओपी के, ठीक है, अगर आप कोई कनाल लोकेट कर लें तो हमेशा याद रखें लोकेट करते ही उसमें फाइल डाल के एक्सरे ले लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, आप उसी कनाल को, आप दूसरी कनाल को लोकेट करने के चक्कर में उसी कनाल को लोकेट करेंगे और आपको लगेगा कि आपने दूसरी कनाल लोकेट कर ली, ठीक है। इसके अलावा क्या मसला होगा रोटेटेड टीथ में कि आप फेल कर जाएंगे एक्स्ट्रा कनाल ढूंढने के लिए। नॉर्मली अगर प्रीमोलर में दो कनाल होती है और रोटेटेड है तो आपको एक ही मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी, क्योंकि रोटेटेड टीथ में अक्सर एंगुलेशन चेंज होती है। अगर वो रोटेटेड इन अ मैनर है और आप उसको बक्को लिंगुअली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका, और मीजो डिस्टली रोटेटेड है तो आपको एक कनाल मीजल मिलेगी एक कनाल डिस्टल मिलेगी, रोटेशन में ये मसला होगा। आप एक्सेसिवली गाउज कर सकते हैं, आप एक्सेसिवली फ्लोर पे गाउज कर सकते हैं, ठीक है, और रूट कनाल ढूंढने के चक्कर में आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पल्प डिब्राइड ना हो और पल्प रह जाए। तो रोटेटेड दांत में क्या क्या मसले हो सकते हैं, सबसे पहले तो परफोरेशन हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कनाल ढूंढते वक्त अगर एक्सरे नहीं करवाया तो आपको कनाल मिस हो जाए बार बार, आपको लगे कि दूसरी कनाल है और हो वो पहली कनाल। तीसरी बात, एक्स्ट्रा कनाल लोकेट करने के चक्कर में आप परफोरेशन करते हैं या आप स्ट्रिप परफोरेशन करते हैं या आप कोई एक और कनाल बना दें जो कि परफोरेशन की सूरत में ही बनेगी। चौथा पॉइंट, कोई आप पल्प डिब्राइडमेंट ना कर पाए, ठीक है, सारी कनाल्स ना ढूंढ पाए। और छठा पॉइंट के कोई आप इंस्ट्रूमेंट सेपरेट कर दें फ्रस्ट्रेट होके। तो सारे ये पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू आप, जिनके थ्रू देखते हुए आप रोटेटेड टीम में करेंगे। सवाल इस तरह बन सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स व्हिच अकर व्हेन देयर आर डिफरेंट टूथ एंगुलेशंस और डिफरेंट टूथ रोटेशंस। तो क्या प्रॉब्लम अकर हो सकते हैं जब टूथ रोटेटेड हो एंगुलेटेड हो, तो आप ये सारे लिख दें, परफोरेशन, कनाल मिस हो जाना, कलान कनाल ना मिलना, स्ट्रिप परफोरेशन हो जाना, पल्प अंदर रह जाना, एक्स्ट्रा कनाल्स का ना मिलना, इंस्ट्रूमेंट सेपरेट हो जाना, ठीक है, ये आप सब लिख सकते, ठीक है। सो दिस एंड्स अप विद द चैलेंजिंग एक्सेस प्रिपरेशंस। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सी शेप कनाल्स। आप लोग क्या चाहते हैं, वैसे सी शेप कनाल्स डॉक्टर जहाँ से पढ़ा चुके हैं, यू वॉन्ट मी टू रिपीट दैट और यू वॉन्ट मी टू एंड अप दिस लेक्चर हियर? सबसे पहले बात आती है टीथ विद सी शेप कनाल, किस तरह क्यों होती क्यों है सी शेप कनाल और कौन से दांत में होती है सी शेप कनाल। नॉर्मली सी शेप कनाल होती हैं लोअर मैंडिबुलर मोलर्स में, लोअर मैंडिबुलर सेकेंड मोलर्स, याद कर लें, लोअर सेकेंड मैंडिबुलर मोलर्स में होती हैं सी शेप कनाल्स। एक सवाल पहले पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा मैं भी बोर हो गया हूँ पढ़ा पढ़ा के, सवाल जवाब नहीं किए। ये क्या हुआ है नीचे, तो बताएगा ये क्या हुआ है नीचे? बोन लॉस हुआ। ये क्या है, रेडियो ओपेसिटी किस चीज की? समझे, आपके टॉक्स में पिक्चर आ गई है,
सर ये सीलर कहीं जाके पैक हो गया। इतना इतना कंसेंट्रिक और इतना वाजे, कभी सीलर आपने देखा है? ये सीलर है, ये सीलर है, ये क्या है? सोचें सोचें क्या है? पेरी रेडिकुलर सर्जरी हुई है इसकी, और पेरी रेडिकुलर सर्जरी में इन्होंने टिप ऑफ द एपेक्स को कट नहीं किया, लेकिन इन्होंने यहां पे प्रिपेयर किया एपिकली। ये देखें फ्लेयर हुई हुई है नीचे से, एपिकली प्रिपेयर किया है, और यहाँ पे रेट्रोग्रेड फिलिंग की हुई है एमलगम। कुछ लग रहा है वैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ? एमटीए हो सकता है। एमटीए ऐसा नहीं होता, दिस इज अमेलगम। एमटीए इतना रेडियोपेक नहीं होता, और एमटीए थोड़ा सा क्लाउडी होता है। बाकी अल्लाह वल्ला अल्लाह जाने क्या हो सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है खैर, लेकिन एमटीए इतना वो नहीं होता। खैर हम बात कर रहे थे सी शेप कनाल्स की। मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ पिक्चर्स भी डाली हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सी शेप कनाल्स की, कि सी शेप कनाल्स का कॉज क्या होता है। जब डेवलपमेंट हो रही होती है हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट की लोअर सेकेंड मोलर्स में, तो हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट जो है वो फ्यूज नहीं हो पाती बक्कल साइड पे या लिंगुअल साइड पे। फेलियर ऑफ हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट टू फ्यूज ऑन द बक्कल और लिंगुअल रूट सरफेस, फेलियर ऑफ हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट टू फ्यूज on either the buccal or the lingual surface will give rise to C-shaped canals and lower mandibular molars. Lower mandibular second molar में most common है C-shaped canal. इसके बाद आपको और C-shaped canals जो मिल सकती हैं वो maxillary molars में भी मिल सकती हैं और mandibular premolar में भी मिल सकती हैं, खास तौर पे mandibular second premolar. ठीक है, सबसे पहले mandibular किधर किधर मिलेगी आपको सी शेप? मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकंड मोलर, और मैंडिबुलर फर्स्ट प्री मोलर। सॉरी मैं गलत बता दिया था, मैंडिबुलर सेकंड में नहीं मिलती, मैंडिबुलर फर्स्ट प्री मोलर में मिलती है, मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकंड मोलर में मिलती है, और मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो मैंडिबुलर सेकंड मोलर में कॉमन। नॉर्मली सी शेप कनाल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन जब करते हैं इनको, इनको चॉप ऑफ जब करते हैं, जब क्रॉस सेक्शन करते हैं इनका मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है कनाल की या ऑरिफेस की वो सी शेप्ड होती है। एक्चुअली इट इज द सी शेप्ड ऑरिफेस व्हिच डिनोट्स के दिस इज द सी शेप्ड कनाल। और होता क्या है सी शेप्ड कनाल में, ये मेजियल टू लिंगुअल, ये लेट सपोज ये आपके पास अगर टूथ है, ठीक है, और ये मेजियल टू ये लिंगुअल साइड है, बकल साइड है, और ये डिस्टल साइड है, तो ये इस तरह की होती है मेजियो लिंगुअल से मेजियो बकल से डिस्टल तक, ये पूरी यू होगी कनाल इन अ फॉर्म ऑफ सी। किसमें होती है? सेकेंड मोलर्स, मैंडिबुलर सेकेंड मोलर्स में होती है। अच्छा जी, क्रॉस सेक्शनल मॉर्फोलॉजी इनकी इस तरह होती है, और हम आगे इनकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। मीजो लिंगुअल लाइन एंगल से शुरू होती है और बक्कल पे या बक्कल एंड या लिंगुअल एंड तक जाती है टुवर्ड्स डिस्टली। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन में आती है, वो हम बाद में बात कर लेते हैं। एनाटॉमिक वेरिएशन नॉर्मली दो टाइप्स की होती है इसकी। एक वेरिएशन होती है इसमें सिंगल सी शेप्ड कनाल होती है, पूरी एक सिंगल कनाल होती है, और दूसरी वेरिएशन होती है जिसमें लेट सपोज ये सेक्शन है इसका, दूसरी वेरिएशन होगी जिसमें ये मीजोलिंगुअल मीजोबक्कल यहाँ हो गई, ठीक है, उसके बाद ये यू हो गई। ठीक है, तो दो वेरिएशन हो सकती है, या सिंगल पूरी एक ही सी शेप कनाल होगी, या तीन और मोर डिस्टिंक्ट कनाल होंगी, या दो पार्ट्स में होंगी। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि ये पार्ट अलग हो, ये पार्ट अलग हो, और ये पार्ट अलग हो, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, लेकिन फॉर्म ऑफ सी होगा। अंदर से रूट में भी नीचे तक जाते हुए भी जिस तरह नॉर्मली कनाल्स फनल शेप होती है, फनल शेप नहीं होती, ये ओब्लॉन्ग ओवल कनाल्स होती है,
रूट के पूरे सर्कमफ्रेंस पे अंदर पूरी फैली हुई होती है। ठीक है जी। अच्छा अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन है पल्पल फ्लोर के हिसाब से। फोर टाइप ऑफ पल्पल फ्लोर्स मिलते हैं आपको। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। चार तरह। अल्हम्दुलिल्लाह। चार तरह के पल्पल फ्लोर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी। ठीक है, ये देखें, चार तरह के पल्पल फ्लोर मिलते हैं। एक किस तरह का पल्पल फ्लोर है? एक पेनिनसुला लाइक पल्पल फ्लोर है। व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इर्द गिर्द सारा पानी और बीच में आइलैंड हो, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। पेनिनसुला तो इन्होंने इसी तरह ही इसको इसी तरह ही इन्होंने इसको डिनोट किया है कि ये सारा इर्द गिर्द की जो फ्लोर है, वॉल्स है, वो पानी है और ये पेनिनसुला फ्लोर, पेनिनसुला लाइक, ये पेनिनसुला है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पल्पल फ्लोर में ये एक सी शेप पेनिनसुला फ्लोर आ जाएगा और ये पूरी एक, जिस तरह मैंने आपको बताया था, एक टाइप होती है कि पूरी पूरी सी शेप होती है कनाल, इस तरह एक पूरी कंटिन्यूस सी शेप कनाल। दूसरी तरफ आ जाए तो जो टाइप टू है वो ठीक है, टाइप टू ये है कि बकल साइड पे एक स्ट्रिप ऑफ डेंटीन से कट ऑफ हुआ होगा दो पार्ट में, सच दैट एक मीजियल पार्ट बन गया और एक डिस्टल पार्ट बन गया। ये देखें, ये बकल पार्ट से स्ट्रिप ऑफ हुआ है, एक मीजल पार्ट बन गया और एक डिस्टल पार्ट बन गया। इसमें भी दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है टाइप टू में कि वो मीजियल पार्ट भी दो में डिवाइड हो रहा है, मीजो बक्कल अलग, मीजो लिंगुअल अलग और डिस्टल अलग। ठीक है जी। तो टाइप वन में हमने क्या पढ़ा? सी शेप की क्लासिफिकेशन, पल्पल फ्लोर की क्लासिफिकेशन जो है जेओई में, जो जेओई के 2006 में आई थी है, और इसमें ये इन्होंने बताया कि टाइप वन है पेनिनसुला लाइक फ्लोर है। ठीक है, और कंप्लीटली एक ही सी शेप कनाल है। टाइप टू ये है कि वो जो सी शेप कनाल है वो बक्कल साइड से एक स्ट्रिप ऑफ डेंटीन से डिस्कनेक्टेड है, ये स्ट्रिप ऑफ डेंटीन से डिस्कनेक्टेड है और एक एक इसकी साइड हो गई मीजल साइड और एक हो गई डिस्टल साइड। ठीक है जी। अगर यहां पे देखें तो ये एक इसकी मीजल साइड हो गई और एक इसकी ये डिस्टल साइड हो गई। एक और क्लासिफिकेशन भी इसी में ही आ जाती है टाइप टू में, या टाइप टू ए कर ले, ये ए हो जाएगी मीजियल अलग डिस्टल अलग। टू बी में ये आएगी कि यहाँ पे जो कनाल होगी ये मीजियो बक्कल अलग है, मीजियो लिंगुअल अलग है, मीजियो बक्कल अलग है और डिस्टल अलग है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगी, बक्कल साइड पे ही डेंटीन का जो शेल्फ होगा वो बक्कल साइड पे ही होगा, पर जो मीजियल साइड की दोनों कनाल है वो एक फॉर्म में नहीं होंगी, एक पार्ट में नहीं होंगी, दो पार्ट में। ठीक है, अब टाइप थ्री आ जाते हैं। टाइप थ्री बहुत आसान है, जिस तरह इसमें बक्कल साइड पे हो रहा था डेंटीन का शेल था, इसमें डेंटीन का शेल मीजियल साइड पे है और मीजियल साइड पे डेंटीन का शेल्फ ऐसे है कि मीजो लिंगुअल कनाल अलग हो गई है और मीजो बक्कल टू डिस्टल एक ही कनाल है। ठीक है जी। ओनली वन मीजियल स्ट्रिप लाइक डेंटीन कनेक्शन बिटवीन द पेनिनसुला लाइक फ्लोर एंड द मीजियल वॉल विच सेपरेट्स द सी ग्रुप इनटू अ स्मॉल एंड अ लार्ज मीजियो बक्कल टू डिस्टल ऑरिफिस। मीजियो बक्कल टू डिस्टल एक ऑरिफिस हो गया, यानी कि थ्री में अगर हम थ्री की बात करें तो ये अगर टूथ है और ये मीजियो लिंगुअल है तो मीजियो लिंगुअल ये हो गई और ये पूरा मीजियो बक्कल से लेकर डिस्टल तक पूरी एक हो गई, तो ये हो गई थ्री। याद रहे टू क्या थी? टू ये थी कि बक्कल साइड से थी, ठीक है, तो एक मीजियल साइड बन गई थी और एक डिस्टल साइड बन गई थी और बक्कल साइड से थी, और टू ए का बी पार्ट ये था कि इसमें भी बाइफर्केशन हो गया। वन क्या थी? पूरी एक सी थी, कोई स्ट्रिप ऑफ डेंटीन नहीं थी। ठीक है जी।
और टाइप फोर ये नॉन सी शेप फ्लोर होगा, एक डिस्टल कनाल हो रही होगी और एक मीजल कनाल ऑरिफिस होगा। ये देखें टाइप फोर ये होगा, एक मीजल कनाल ऑरिफिस और एक डिस्टल कनाल ऑरिफिस। इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं टाइप्स ऑफ पल्पल फ्लोर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आ रहा है भाई? जवाब तो दे दो। जी सर, सब आ रहा है समझ में। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अच्छा जी, जब कोई आगे से बोलता है समझ में आ रहा है तो एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा जी, अब आ जाए आप, एक और क्लासिफिकेशन है जो के बेस्ड ऑन है क्लास, अब जो एक क्लासिफिकेशन है वो कहलाती है क्लासिफिकेशन ऑफ सी शेप कॉन्फ़िगरेशन। याद रहे वो क्लासिफिकेशन जो थी वो कौन सी थी? वो क्लासिफिकेशन हमने इससे पहले वाली कौन सी पढ़ी है? पल्पल फ्लोर वाली। और ये कौन सी है? सी शेप कनाल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सी शेप कनाल कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इजी है। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। C1 जिस तरह उसमें वन था, इसमें भी वही है। ठीक है, एक पूरा सी शेप कंटिन्यूस कनाल है। ठीक है, द शेप इज एन अनइंटरप्टेड सी विद नो सेपरेशन और डिविजन। ठीक है, मैं नीचे बना देता हूं उसको। ठीक है, वन की बात कर रहे हैं, यहां पे बना देता हूं। मतलब वन की बात कर रहे हैं तो वन कैसा है? अनइंटरप्टेड सी है, ये पूरा सीजे के लेवल पे अनइंटरप्टेड सी होगा, नो सेपरेशन और डिविजन। कैटेगरी टू क्या है? द कनाल शेप रिजेंबल्स अ सेमी कोलोन। ठीक है, जिसमें सी आउटलाइन जो है वो दो एंगल्स पे डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, यानी के जिस तरह हमारे पास वहां पे जो है वो डिफरेंशिएट हो रही थी दो स्ट्रिप लाइक डेंटिन की वजह से, इसमें भी इसी तरह का फिनोमेनन है। ये देखें, ये स्ट्रिप लाइक डेंटिन की वजह से जो यहाँ पे मौजूद है डिस्टल की तरफ, उसकी वजह से ये अलग हो गई है। तो कनाल एक सेमी कोलोन के फॉर्म में, आप खुद भी लिख सकते हैं कनाल इज इन अ फॉर्म ऑफ सेमी कोलोन। अब इसके अंदर दो एंगल्स बताए हैं इन्होंने बताया अल्फा और बीटा एंगल। अब ये एंगल क्या है, कहाँ से है, मैंने ओरिजिनल आर्टिकल नहीं पढ़ा इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। 2006 का आर्टिकल है, बहुत पुराना है, मैं इंशाल्लाह जरूर पढ़ूंगा ये। लेकिन अल्फा और बीटा एंगल दोनों लेस देन 60 डिग्री होंगे। ठीक है जी, यहां पे देख लें, कैटेगरी टू में सेमी कोलोन के फॉर्म में है और अल्फा और बीटा एंगल शुड बी नो लेस देन 60 डिग्री। ठीक है, नो लेस देन 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री होंगे ही होंगे, इससे लेस नहीं होंगे। 60 डिग्री से ग्रेटर होंगे। ठीक है जी, ये कैटेगरी टू क्या थी, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको। जितना ज्यादा इसको आप याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स उतना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, कैटेगरी टू है पल्प कनाल, सी शेप पल्प कनाल कॉन्फ़िगरेशन की। इसमें आपके एक कनाल ये हो गई और एक कनाल ये हो गई। ठीक है, और एल्फा और बीटा का एंगल जो है, एल्फा एंड बीटा का जो एंगल है वो आपका नो लेस देन 60 डिग्री है। ठीक है जी, सी सिंपल यू था, सी टू कैसा था, यू और यू। अब आ जाए सी थ्री। ठीक है, अब सी थ्री में भी दो पार्ट्स हैं, ये नई क्लासिफिकेशन में आया है जो 2021 की जेओई के आर्टिकल में आई है। ठीक है जी, ये सी थ्री ए और सी थ्री बी। अब आप इसमें देखें, इसमें भी इन्होंने बताई है ये कि ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, सी थ्री ए और सी थ्री बी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। याद रहे सी वन पूरा सी था, सी टू जो है सेमी कोलोन में था, अल्फा और बीटा एंगल नो लेस देन 60 डिग्रीज, और सी थ्री जो है वो ओनली वन मीजल स्ट्रिप लाइक डेंटिन कनेक्शन बिटवीन द पेंसिल लाइक फ्लोर एंड द मीजल वॉल विद सेपरेट सी शेप ग्रूव इनटू स्मॉल मीजल एंड लार्ज मीजोबकल टू डिस्टल ऑरिफिस।
ठीक है जी, सी शेप ग्रूव जो है वो एक मीजोलिंगुअल का स्मॉल ऑरिफिस हो जाएगा और लार्ज मीजोबकल टू डिस्टल। ये बताएं कि हमने जो पल्पल फ्लोर की क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें ऐसा कब हो रहा था? टाइप फोर में हो रहा था। आर यू श्योर? क्वेश्चन रिपीट कर दे सर। हमने जो पल्पल फ्लोर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसमें हमने टाइप थ्री में पढ़ा था ना कि यार क्या हो रहा है ये, सॉरी मैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे चला गया था। सी वन है अनइंटरप्टेड सी, ठीक है। सी टू है सेमी कोलोनो का अल्फा और बीटा एंगल नो लेस देन 330 डिग्रीज। सी थ्री में भी दो तरह के हैं, ठीक है, दो सेपरेट कनाल्स होंगी या तीन सेपरेट कनाल्स होंगे और दोनों के अल्फा बीटा एंगल जो होंगे वो लेस देन 60 डिग्रीज होंगे, ठीक है जी। ये देखें, या दो सेपरेट कनाल होंगी, अगर दो सेपरेट कनाल होंगी ये तो 3B कहलाएगा, तीन सेपरेट कनाल होंगी तो 3A कहलाएगा और इसमें अल्फा बीटा एंगल्स लेस देन 60 डिग्री ही होंगे। C4 सिंगल कनाल है और C5 नो कनाल है। अब ये कौन रिपीट करेगा क्लासिफिकेशन? C1 is peninsula like floor with an uninterrupted sea, ठीक है। C2 is a semicolon with interruptions such that alpha and beta angle is no less than 60 degree. C3A is three canals, C3B is two canals. थ्री कनाल्स के मतलब है कि दो पेनिसुला लाइक फ्लोर में दो डिस्कनेक्शन होंगी और C3B का नाम है कि एक ही डेंटीन का बीच में एक ही डिस्कनेक्शन होगी और मीजियल अलग होगी डिस्टल अलग। C4 में सिंगल कनाल होगी और जो C5 होगा उसमें नो कनाल डिटेक्टेड, ठीक है जी। ये देख लें, कैटेगरी 5 नो कनाल ह्यूमन कैन बी ऑब्जर्व, C4 ओनली वन राउंड कनाल, कैटेगरी 3 2 और 3 सेपरेट कनाल्स एंड बोथ एंगल्स अल्फा एंड बीटा लेस देन 60 डिग्रीज और C2 में द कनाल शेप रिजेंबल्स अ सेमीकोलन रिजल्टिंग फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द सी आउटलाइन बट आइदर एंगल अल्फा बीटा शुड नॉट बी लेस देन 60 डिग्री, द शेप इज एन अनइंटरप्टेड सी। ये समझ में आ गई है क्लासिफिकेशन के? मैं रिपीट करूं, बस लास्ट क्लासिफिकेशन है फिर हम एंड कर देंगे। सर आ गई है। रिपीट करना चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूं? चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी क्लासिफिकेशन है सी शेप कनाल की, आखिरी क्लासिफिकेशन है सी शेप कनाल की जिसमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन है, थ्री डायमेंशन क्लासिफिकेशन कहलाती है। थोड़ा सा याद करवा दूं मैं, हमने तीन क्लासिफिकेशंस पढ़नी है, कौन बताएगा कौन कौन सी? सर हमने पर्पल फ्लोर की क्लासिफिकेशन पढ़ी है जी, फिर कनाल सी शेप्ड कनाल की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी है। सी शेप कनाल की तो सारी है, सी शेप कनाल कॉन्फ़िगरेशन। क्लासिफिकेशन का नाम याद रखें, पेपर में सवाल आता है तो फिर एंड अप करते हैं सारी लिख देने पे। और तीसरी हम पढ़ रहे हैं थ्री डायमेंशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। थ्री डायमेंशन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। थ्री डायमेंशन क्लासिफिकेशन में तीन क्लासिफिकेशन है। पहली कहती है मर्जिंग टाइप है, मतलब सारी कनाल्स मर्ज होकर एक ही एपिकल फॉरमेन में ड्रॉप करेंगी। दूसरी कहता है कि ये सिमेट्रिक है
यानी कि कनाल्स दो में डिवाइड होंगी और सिमेट्रिकली एपिकल फॉरमेन तक जाएंगी। तीसरी है एसिमेट्रिक, एक कनाल एसिमेट्रिक होगी और एक कनाल सिमेट्रिक होगी, इसको एसिमेट्रिक कहा है। देख लें, कनाल्स मर्ज टू वन मेन कनाल बिफोर एग्जिटिंग एट द एपिकल फॉरमेन, टाइप टू इज सेपरेटेड मीसियल एंड डिस्टल कनाल्स इन ईच रूट एग्जिट एज मल्टीपल कनाल्स। ठीक है जी, अगर यहां पे बात करें तो ये एक ही कनाल होगी जो कि एंड करेगी नीचे, ठीक है, एक ही सी शेप कनाल होगी। ठीक है, टू में बात करें तो एक कनाल यहां होगी, एक कनाल यहां होगी, सिमेट्रिकली दो कनाल होंगी। थ्री में बात करें तो एक कनाल चौड़ी होगी, ठीक है, और एक कनाल पतली होगी, तो ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। सेपरेट मीजल और डिस्टल कनाल, विद डिस्टल कनाल हैविंग लॉन्ग इस्थमस अक्रॉस द फर्केशन। तो ये तीन क्लासिफिकेशन हो गई, याद रखना जरूरी है, पल्पल फ्लोर की क्लासिफिकेशन, दूसरी क्लासिफिकेशन सी शेप कनाल कॉन्फ़िगरेशन की क्लासिफिकेशन, और तीसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास थ्री डायमेंशन क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, रिपीट करूं कि सही है, थक गए हैं सारे? बस आ गई है। हाँ जी सर, समझ आ गई है। समझ में आ गई, चलो गुड हो गया। ठीक है, एंड अप करें लेक्चर को। जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।